जय जी, जी मंगलाचरण करते हैं। नमो अरिहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयिनियाणं, नमो वज्झायाणं, नमो लोये सर्वसाहूणं, तज्जयति परं ज्योति समं समस्तैरनंत पर्यायै, दर्पण तल इव सकला प्रतिफलति पदार्थ मालिका यत्र। परमागम ऑनर्स, सेमेस्टर 7, पेपर 1, पुरुषार्थ सिद्धि उपाय, आचार्य अमृतचंद देव की ये चरणानियों का ग्रंथ पुरुषार्थ सिद्धि उपाय, जिसमें श्रावकाचार का महत्वपूर्ण वर्णन किया गया है। इस प्रकार श्रावक अपने जैनाचार को पालन करते हुए मोक्ष मार्ग पर आगे बढ़ सकता है, मोक्ष मार्ग पर बढ़ता है। ऐसे श्रावकाचार का वर्णन यहाँ पर किया गया है कि ये श्रावकाचार सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र के साथ होने से ही पूर्णता को प्राप्त होता है। तो सम्यक दर्शन से चर्चा शुरुआत करते हुए सम्यक दर्शन के 8 अंग, सम्यक ज्ञान के 8 अंग और सम्यक चारित्र का प्रारंभ अणुव्रत में अहिंसाणुव्रत से यहाँ पर किया गया है। अहिंसाणुव्रत के लिए यहाँ पर हिंसा अहिंसा की एक विशेष व्याख्या बताई, जो जैन धर्म की मौलिक परिभाषा है, मौलिक वर्णन है। और उसके बाद हाँ हिंसा से संबंधित, अहिंसा से संबंधित अनेक प्रकार के भंग बताए, जिसमें हम करते हुए 55 नंबर के छंद तक आ गए थे। पचपन दादा, नंबर वो एक आदमी बैठा हुआ किताब है ना, ओके तो 55 नंबर के छंद तक अपनी चर्चा हो गई थी। आज हमें 56 नंबर के छंद पे बात करनी है। द्रव्य हिंसा भाव हिंसा का 6वां सूत्र, जो अनेक प्रकार के सूत्र बनाए जा रहे हैं, जिसमें ऐसा कह रहे हैं कि कई बार थोड़ी हिंसा बहुत फल देती है, बहुत हिंसा अल्प फल देती है, एक के द्वारा किया गई हिंसा बहुत सबको फल देती है, अनेकों को देती है, और अनेकों के द्वारा की गई एक को फल देती है, या किसी एक के द्वारा की गई हिंसा अन्य को फल देती है, या अन्य के द्वारा की गई किसी एक को फल देती है। इस प्रकार बहुत सारे भंग ये बनाए गए हैं, जिसमें हिंसा के संबंध में और विषय स्पष्ट किया। आगे चलते हैं। अब 56 नंबर का छंद है, इसमें भी हिंसा के विषय को और आगे बढ़ाते हुए उसकी चर्चा की जा रही है। छंद पढ़ता हूं मैं। कस्यापि दिशते हिंसा, हिंसा फलमेकमेव फलकाले, अन्यस्य सैव हिंसा, दिशत्य हिंसा फलं विपुलम्। हिंसा फलम परस्य तु ददात्य हिंसा तु परिणामे, इतरस्य पुनर्हिंसा, दिशत्य हिंसा फलम नान्यत्। देखिए, यहाँ पर हमने एक और बात देखी थी, एक और भंग बना था कि कई बार ऐसा होता है कि हिंसा करते हुए ही फल मिल जाता है, कई बार हिंसा करने से पहले फल मिल जाता है, और कई बार हिंसा करने के बाद फल मिलता है। उसी तरह से काल के समय में ही यहाँ पर चर्चा इन दो श्लोक में एक साथ ली है, 56 और 57 नंबर का है, जिसमें 6वां सूत्र बता रहे हैं। देखिए इसका अर्थ देखते हैं। कस्यापि दिशति हिंसा, कस्यापि मतलब कस्यापि, किसी पुरुष को, दिशति मतलब देती है, किसी पुरुष को देती है क्या हिंसा, हिंसा फलम एकमेव फलकाले। हिंसा किसी एक पुरुष को फल देती है, और कैसा फल कब देती है, तो कह रहे हैं हिंसा फल काले, फल काल मतलब उदय के काल में, मतलब किसी एक पुरुष को तो हिंसा उदय के काल में एकमेव, या है ना, एकमेव फलम, एक ही हिंसा का फल देती है। मतलब किसी एक पुरुष को
कैसा फल मिलता है कि एक हिंसा का फल मिला, मतलब हम इसको मात्रा से कह सकते कि थोड़ा मिला, कि एक ही हिंसा का फल देती है। दूसरा, अन्यस्य सैव हिंसा दिशति हिंसा फलम विपुलम, और अन्यस्य मतलब अन्य पुरुष को, किसी दूसरे पुरुष को, सैव वह हिंसा ही, मतलब एक ही जैसा की गई हिंसा, एक ही जैसा किया गया पाप, एक पुरुष को उदय काल में थोड़ा फल देती है, अल्प फल देती है, और वही हिंसा दूसरे पुरुष को अन्य काल में या उदय काल में कैसा फल देती है, तो कह रहे हैं हिंसा विपुलम विपुलम, वही हिंसा विपुलम दिशति फल देती है, विपुलम फल देती, किसी पुरुष को वही हिंसा बहुत अहिंसा का फल देती है, अहिंसा फलम दिशति, मतलब एक हिंसा से तो किसी को बहुत पाप लग रहा है, और वही वही कार्य करते हुए किसी दूसरे व्यक्ति को हिंसा का फल ही ना मिलके अहिंसा का फल मिलता है। अब इसमें आप वो लगा सकते हैं कि जैसे मैंने आपको डॉक्टर का एग्जाम्पल दिया था कि कोई व्यक्ति किसी एक व्यक्ति का घात करे तो उसको तो पाप लगेगा, उसको तो बंधन होगा, उसको हिंसा का फल मिलेगा, और वही कार्य बिल्कुल सेम टू सेम कार्य एक चिकित्सक करते हैं, डॉक्टर करते हैं, एक सर्जन करते हैं, तो वो यद्यपि जीव मरा पर क्योंकि वो ऑपरेट कर रहे थे उसको बचाने का उद्देश्य था, तो वहीं पे वो हिंसा उनको हिंसा का फल ही नहीं देती है बल्कि उनके लिए अहिंसा बन जाती है बचाने के उस, तो यहाँ पर ये कहना चाहते हैं वही हिंसा बहुत अहिंसा का फल देती है। फिर दूसरा, तो अपरस्य हिंसा फलम अपरस्य तु, वही अन्य किसी को अहिंसा, अन्य किसी को अहिंसा तु ददात्य अहिंसा तु परिणामे, अहिंसा क्या ददाती कि हिंसा फलम परिणामे, हिंसा के मतलब दूसरा उल्टा देखिए कैसा बनता है कि वहीं दूसरी तरफ कई बार अहिंसा किसी जीव को उदय के काल में हिंसा का फल दे देती है, मतलब बाहर में मान लो किसी ने बचाने का प्रयत्न किया पर अंतरंग में उसके प्रति मोह राग द्वेष भाव होने से तो प्राणी चाहे मरा हो या ना मरा, नहीं भी मरा हो, मतलब बाहर में अहिंसा दिख रही हो पर फिर भी वह उसको हिंसा फलम ददाती, हिंसा का फल दे देती है। वहीं इतरस्य वहीं दूसरी ओर तथा दूसरे किसी को पुनः हिंसा दिशति अहिंसा फलम नान्यत्, दूसरे किसी को हिंसा अहिंसा फलम ददाती न अन्यत, दूसरे किसी को वही हिंसा अहिंसा का फल दे देती है जो हम पहले देख चुके हैं। तो ऐसा भी हो जाता है, ये भी एक प्रकार का भंग बनाया है, मतलब इसमें आपको मन वचन काया तीनों को ध्यान में रखते हुए इसको समझना होगा कि ऐसा नहीं कि सिर्फ काया से कह रहे हैं या मन से कह रहे हैं, उदाहरण जो ये भंग बनाए गए हैं, जो ये सूत्र बताए गए हैं, इसमें कहीं मन से, कहीं वचन से, कहीं काया से, कहीं मोह राग द्वेष भावों से होने वाली मतलब द्रव्य और भाव दोनों प्रकार की हिंसा को जोड़ते हुए ये बात समझ में आई। इसलिए यहाँ पर कह रहे हैं कि कई बार किसी के बाहर में दया के परिणाम हो और अंतरंग में रागादि परिणाम होने से उसको वहां हिंसा का फल मिलता है उस दया से भी, और दूसरी तरफ किसी के बाहर में दिख रहे हो कि वह जीव की हत्या हो गई या हत्या कर रहा है पर कदाचित वहां पर जीव रक्षा का परिणाम हो या रागादि का अभाव हो तो वहां अहिंसा का फल मिल जाता है, ऐसा ही यहाँ पर समझना चाहिए। ठीक है, अब इसके बाद 58 नंबर का सूत्र, 58 नंबर का श्लोक आ रहा है जिसमें कह रहे हैं द्रव्य भाव हिंसा समझाने में नए समूह के ज्ञाता गुरु ही समूह, मतलब ये बात ही कह रहे हैं। अब ये जब इतनी पूरी चर्चा हुई तो शिष्य को ऐसा लगता है कि आपने तो बहुत कंफ्यूज कर दिया, हिंसा से अहिंसा का फल, अहिंसा से हिंसा का फल, एक के द्वारा किया गया दूसरे को फल, तो आचार्य कह रहे हैं ये बात नयों के बिना समझ में नहीं है, आपको नयों का ज्ञान होना चाहिए, व्यवहार नए, निश्चय नए, द्रव्य हिंसा भाव हिंसा, इनका ज्ञान नहीं होगा तो आप ये बात समझने नहीं पाएंगे। इसीलिए 58 नंबर के छंद में अब नयों की विशेषता, जो नयों का ज्ञान क्यों जरूरी है ये बात यहाँ पर बता रहे हैं। इति विविध भंग गहने दुस इति विविध भंग गहने
सुदुस्तरे मार्ग मूढ़ दृष्टि नाम गुरुवो भवन्ति शरणम् प्रबोधनय चक्र संचारा। देखिए कह रहे हैं इति विविध भंग गहने, इति मतलब इस प्रकार, विविध विविध प्रकार के, अनेक प्रकार के भंग, जो भंग बनाए गए हैं, जो ऊपर जो अनेक प्रकार के सूत्र बनाए गए हैं, भंग बनाए गए हैं, उनके गहने, गहन वन में, गहन वन जैसा है ये, मतलब आप इसमें और भी भंग बना सकते हो, जितना डीप में जाओगे उतने उतने भंग बन जाएंगे, मतलब वन जैसा है, जंगल जैसा है बिल्कुल। कैसा है? सुदुस्तरे, और सुदुस्तरे मतलब जो बिल्कुल बहुत कठिनता से, बहुत दुर्लभता से जिसको पार किया जा सकता है, ऐसा सुदुस्तरे, बहुत कठिनता से पार किए जाने वाला अनेक प्रकार के भंगों का जो जंगल है, उसमें क्या कह रहे हैं, मार्ग मूढ़ दृष्टि नाम, मार्ग से जो मूढ़ है, मार्ग को जो भूले हुए हैं, ऐसे ऐसे पुरुषों को, मार्ग से जो भूले हुए हैं ऐसे पुरुषों को क्या होगा, क्या होगा उनका, जो जंगल में भटक गए हैं और जंगल भी बहुत गहन है, जिनको बिल्कुल रास्ता नहीं पता, उनके लिए कौन शरण है? तो कह रहे हैं गुरुवो भवन्ति शरणम, गुरु ही उनके लिए शरण है। कौन से गुरु? प्रबुद्ध नए चक्र संचारा, प्रबुद्ध नए चक्र संचार मतलब प्रबुद्ध, जो नयों के प्रबुद्ध है, ज्ञाता है, नए के संचार में, नए चक्र के प्रयोग में जो बिल्कुल निपुण है, ज्ञाता है और बिल्कुल एकदम एक्सपर्ट है, ऐसे गुरु ही ऐसे जीवों के लिए कौन होते हैं, शरण होते हैं, जिसे कहा गुरुवो भवन्ति शरण। इसीलिए नयों को सीखना है, नयों को जानना बहुत उपयोगी है, पर उनको नयों को जानने के लिए एक नए में जो निपुण गुरु है उनको जानना भी जरूरी है, उनकी शरण में जानना जरूरी है, क्योंकि ये खुद से समझ में नहीं आने वाला विषय है। और दूसरी बात ये है कि ये नए चक्र को ऐसा कहा गया है, ये ऐसा शस्त्र है, यदि इसका प्रयोग सही तरह से नहीं किया, बिना किसी की मतलब देख रेख में, बिना किसी की, तो ये स्वयं का भी नाश कर सकता है, ये ऐसा चक्र है, स्वयं के लिए भी ये विपरीत कार्य, विपरीत सिद्ध हो सकता है, इसीलिए ऐसे नए चक्र को सिखाने वाले एक्सपर्ट गुरु ही चाहिए, प्रबुद्ध नए चक्र संचार, और ज्ञानी गुरु ही चाहिए, ऐसे ज्ञाता चाहिए जो निपुण हो और बिल्कुल एकदम नयों के एक्सपर्ट हो, उनकी शरण में जाकर हम इस अनेक प्रकार के जो इस संसार में ज्ञान रूपी वन है या भंग रूपी वन है, इससे हम बच सकते हैं, इससे निकल सकते हैं। समझ आया? इस तरह से ये यहाँ पर कह रहे हैं, नयों के चक्र में जो संचार में जो निपुण है, ऐसे गुरुओं को गुरुओं की शरण में जाना चाहिए। ठीक है, चलिए आगे। अगला 59 नंबर के छंद में आ रहे हैं। अब ये कह रहे हैं कि जो नए चक्र को जानते नहीं है, नयों के ज्ञान से रहित हैं, ऐसे पुरुष अहिंसा का स्वरूप समझ नहीं पाते हैं। मतलब आप हिंसा की बात कर रहे हो, वे अहिंसा को भी नहीं जान पाएंगे, हिंसा अहिंसा किसी को भी नहीं जान पाएंगे, तो उसका प्रयोग कैसे करेंगे? जब तक आपको अहिंसा का स्वरूप ही नहीं पता होगा, तो आप अहिंसा का पालन कैसे करेंगे? इसलिए नयों के ज्ञान की आवश्यकता यहाँ पर बता रहे हैं। अत्यंत निषिद्ध धारम दुरासदम जिनवरस्य नये चक्रम खंडयति धार्यमाणम मूर्धानम झटिति दुर्विदग्धानम। देखिए वो एक कलश आ गया है जिसमें ये बात कह रहे हैं कि नए के प्रयोग में कितना सावधान होना चाहिए, कैसी सावधानी रखनी चाहिए। अत्यंत निषिद्ध धारम, अत्यंत अत्यंत मतलब बहुत निषिद्ध, तीक्ष्ण, बिल्कुल एकदम पैनी, तीक्ष्ण धारा वाला, तीक्ष्ण धार वाला क्या है? दुरासदम, और दुस्साध्य है, जिसको चलाना आसान नहीं है, जिसको साधना आसान नहीं है, बहुत कठिन है, बहुत मुश्किल है, अच्छे अच्छे विद्वानों को समझ में नहीं आता, अच्छे अच्छे ज्ञाताओं की पकड़ में नहीं आता,
अच्छे अच्छे क्षयोपशमधारियों को पकड़ में नहीं आता, ऐसा दुरास्दम क्या है ऐसा कि जिन वर्ष से नए चक्रम, जिनवर का नए चक्र है, ऐसा जिनवर का नए चक्र बहुत तीक्ष्ण धार वाला है और दुस्साध्य है। दो विशेषण कि जिनवर का नए चक्र आप देखो, ये नयों का स्वरूप ही ऐसा है, नयों का वर्णन ही ऐसा है। अच्छे अच्छे बहुत से विद्वान भी, सामान्य जनता तो बहुत दिखेगी ही, विद्वान भी इन नए के विषयों में उलझ जाते हैं, समझ नहीं पाते हैं, उसका सार नहीं निकाल पाते हैं, उसे प्रयोजन सिद्ध नहीं कर पाते हैं और उनकी पूरी तरह से प्रयोग भी नहीं कर पाते हैं। तो क्या करना उसका कि ऐसे दुरासद नए चक्र को क्या करना, खंडयति धार्यमाणम मूर्धानम झटिति दुर्विदग्धानम। धार्यमाणम धारण करने पर, ऐसे नए चक्र को धारण करने पर क्या होता है, ये खंडयति खंड खंड कर देता है ये नए चक्र। मतलब जैसे होता था ना चक्रवर्ती का चक्र रत्न, और ऐसे आपने देखा होगा नारद नारायण आदि के चक्र रत्न होते हैं, तो चक्र जैसा कह रहे हैं जिसको धारण करने पर ये खंड खंड कर देता है। क्या कर देता है, दुर्विदग्धानम मूर्धानम। दुर्विदग्ध जो अज्ञान से दग्ध है, अज्ञान से जो पुरुष सहित है, अज्ञान से जो ग्रसित है, ऐसे मिथ्या दृष्टि मिथ्या ज्ञानी पुरुषों के मूर्धानम मस्तक को, मूर्धानम अर्थात मस्तक को झटिति बिल्कुल तुरंत ही एक क्षण में क्या कर देता है, खंडयति खंडित कर देता है। मतलब ये नए चक्र ऐसा चक्र है जो बहुत तीक्ष्ण धार वाला है, जिसको चलाना बहुत कठिन है, जिसका प्रयोग करना इतना सरल नहीं है, पर उस चक्र को धारण कर लिया यदि आपने, उस चक्र को धारण करने पर ऐसे मिथ्या ज्ञानी मिथ्या दृष्टि पुरुषों के मस्तक को वह चक्र क्या कर देता है, खंडित कर देता है। अब यहाँ पे कोई लड़ाई तो लड़ाई चल रही है क्या, जो ऐसा वर्णन किया आचार्य अमृतचंद देव ने, अहिंसा के वर्णन में बीच में हिंसा का वर्णन लिया है, कि कोई युद्ध करने के लिए कह रहे हैं कि कोई चक्र निकालो और सबके मस्तक को खंडित कर दो, कि नहीं, यहाँ मस्तक को खंडित करने का मतलब है उनको परास्त कर देना, या उनको उनकी हिंसा करने का अर्थ नहीं है, उनको परास्त कर देता है। मतलब आप विचार करिए, जिस समय अकलंक देव हुए और वे अकलंक देव न्याय के बहुत कुशल आचार्य थे, उन्होंने न्याय के बहुत बड़े बड़े ग्रंथ लिखे और न्याय के ग्रंथों पे उन्होंने मतलब उसमें नयों से युक्ति से प्रयोग करके उस समय 7वीं शताब्दी में उसका वर्णन किया लिखा, और ऐसा वर्णन लिखा कि जिनके सामने कोई भी कुवादी कोई भी अन्य मति टिक नहीं सका। ऐसे समनभद्र आचार्य हुए, उस समय समनभद्र आचार्य ने भी नयों के माध्यम से, जो अपने नए तर्क शैली के माध्यम से जो उन्होंने वर्णन लिखा, जो उन्होंने नयों का प्रयोग किया, अच्छे अच्छे जो धुरंधर थे, बहुत बड़े बड़े जो शंकराचार्य आदि अन्य मत आदि सब थे, उनका सबका क्या हो गया, खंडन हो गया, वे उससे परास्त हो गए, उनके पास कुछ कहने के लिए नहीं बचा, और जैन धर्म की उस समय भी विजय हुई। तो ऐसे कह रहे हैं वाद विवाद में उनका क्या हो जाता है कि ऐसे पुरुषों को मस्तक को खंडित करते हैं। मस्तक को खंडित करना मतलब उनका मान गल जाता है, उनका अहंकार चूर चूर हो जाता है, और जैन धर्म का जो अनेकांशवाद है, वस्तु स्वरूप है, वह लोक में जयवंत होता है, इसका अर्थ है खंडित कर देना। तो ऐसा ये कब होगा, जब ऐसे नए चक्र को धारण करेंगे, और धारण कैसे करेंगे कि प्रबुद्ध नए चक्र संचार जो ऐसे गुरु है उनकी शरण में जाकर। समझ में आ गया। तो बीच में हिंसा का वर्णन करते करते नयों की महिमा आ गई और नयों की उपयोगिता बताई, कि आप तो ऐसा सोच रहे थे कि नयों का वर्णन तो समय सार पढ़ने के लिए होगा, हमें तो ऐसा लग रहा था कि नए तो सिर्फ समय सार में या कहीं काम आएंगे, कि नहीं, ये कह रहे हैं हिंसा अहिंसा के पालन में भी आप बिना नयों को समझे जाने नहीं कर सकते, इसलिए यहाँ पे बताया। चलिए 60 नंबर के छंद पर चलते हैं।
अहिंसा के त्याग का उपदेश देते हैं। 60 नंबर का छंद, अवबुद्ध्य हिंस्य हिंसक हिंसा हिंसा फलानि तत्वेन नित्यम अवगूह मानैर निज शक्त्या त्यज्यताम हिंसा। देखिए बहुत ही मार्मिक छंद है। अवबुद्ध्य हिंसा हिंस्य हिंसक हिंसा हिंसा फलानी। अब बुद्ध मतलब जानकर, क्या क्या जानना है, क्या क्या जानना है, क्या हम अहिंसा का पालन करना चाहते हैं, हिंसा का त्याग करना चाहते हैं, पर हम जानते ही नहीं है हिंसा क्या होती है, हिंसक कौन होता है, हिंसा किसकी की जाती है, किसकी हो रही है हमारे द्वारा, हमें पता ही नहीं होता, हमें पता ही नहीं चल रहा, जाने अनजाने में बुद्धिपूर्वक अबुद्धिपूर्वक किन किन जीवों की हमारे द्वारा हिंसा हो रही है। तो मतलब हिंसे को जानना जरूरी है, तो इसलिए कहा पहले ये कह रहे हैं अवबुद्ध्य जानकर हिंस्य, हिंस्य मतलब जिसकी हिंसा की जाती है, किस किस जीव की हिंसा हो रही है, इसीलिए जीव समास पढ़ाए जाते हैं, इसीलिए गोमटसार आदि में जीवों का वर्णन बताया जाता है पूरा त्रस स्थावर, कि हमें पता तो चले कि ये जो कार्य हम कर रहे हैं, ये जो वस्तु हम भोग रहे हैं, इनमें जीवों की हिंसा है, कितनी है, कैसी है, तो हिंस्य का भी ज्ञान होना चाहिए। दूसरा कहा हिंसक करने वाला, करने वाले का भी ज्ञान होना चाहिए कि कौन हिंसा करने वाला है, कहाँ हो रही है। तीसरा हिंसा, हिंसा का ज्ञान, हिंसा रूप किससे नाम है कि मोराग द्वेष भावों का नाम हिंसा है, उसके अभाव का नाम अहिंसा है, तो ऐसी हिंसा का भी पता होना चाहिए। और चौथा हिंसा फलम, हिंसा फलानी, हिंसा के फल का भी ज्ञान होना चाहिए। तत्वेन, तत्वेन मतलब तत्व से, तत्व की दृष्टि से या योग्य रीति से, यथार्थ रूप से, यथार्थ तत्व रूप से, चार चीजों का ज्ञान होना चाहिए, हिंस्य हिंसक हिंसा और हिंसा फल। चारों का शब्द का अर्थ अलग अलग है, समझ में आ गया चारों का। हिंस्य मतलब जिसकी हिंसा की जाए, हिंसक मतलब हिंसा करने वाला, हिंसा मतलब जो हिंसा है, और हिंसा फलानी मतलब हिंसा का फल। ऐसा जानकर क्या करना, उनको जानकर नित्यम हमेशा निरंतर अवगूह मानई, अवगूह मानई मतलब यहाँ कह रहे हैं अवगूह मानई उसको रोकने वाले, किसको, कि यहाँ कह रहे कर्मों को रोकने वाले, अर्थात संवर करने वाले, संवर को चाहने वाले, हिंसा को रोकने वाले पुरुषों को, जो उसमें उद्यमी है उन्हों को, मतलब हिंसा को तो आप रोकना चाहते हो, संवर को तो करना चाहते हो, तो उसके लिए पहले कहा कि इनको तत्व से जानो, इन चार चीजों को, और क्या करो, निज शक्तिया त्यजताम हिंसा, और निज शक्ति से, अपनी शक्ति प्रमाण से, अपनी शक्ति के अनुसार क्या करना, त्यजताम छोड़नी चाहिए, त्याग करो, किसको, हिंसा को, हिंसा का त्याग करो, कि पहले तो जानो, पहले तो सब बराबर जानो, फिर उसके बाद अपनी शक्ति के अनुसार उसका त्याग करना चाहिए। सिर्फ जानने को भी नहीं कहा कि हाँ भाई जानते रहो कि हमें बहुत डिटेल पता लग गई हिंसा की, पर त्याग नहीं करे, ये भी नहीं, और सिर्फ त्याग के लिए भी नहीं कहा, इसलिए ज्ञान पूर्वक त्याग की बात कही है। ज्ञान होगा, जानेगा हिंसा किस में हो रही है, कैसे हो रही है, हिंसा का फल क्या है, फिर यहाँ पर कह रहे हैं तो फिर हिंसा का त्याग यथाशक्ति करते रहना चाहिए। शक्ति को छिपाना भी नहीं है और यथाशक्ति हमें त्याग करना भी चाहिए, इसलिए यहाँ पर कह रहे हैं। और यथाशक्ति पता है इसीलिए लिखा गया है क्योंकि दो प्रकार के हमारे पास उपाय है, अगर हमारी पूर्ण शक्ति है तो महाव्रत अंगीकार करे, अहिंसा महाव्रत का पालन करे, और यदि उतनी शक्ति नहीं है तो अहिंसा अणुव्रत का पालन करे, इसका नाम है यथाशक्ति। ये जिनागम के अनुसार यथाशक्ति है, दो उपाय है, दो तरीके है, दो स्टेप्स है, हम ये कह सकते हैं, तो ऐसा यहाँ पर ये बात बता दी है। देखो इसमें हम ऐसा कह सकते हैं कि चारों को जानना क्यों जरूरी है, इनको तो ये बताया कि हिंस्य को जानकर, जो हिंस्य है उसको जानकर
हमें ये पता लग जाएगा कि हमें किसका घात नहीं करना है। ठीक है, हिंसक को जानकर क्या फायदा है कि हिंसक को जानकर हमें ये फायदा है कि हमें वैसा नहीं बनना है, हम वैसा ना बने, हिंसक हम ना बने। ठीक है, हिंसा को जानकर उसका त्याग करें, हिंसा का स्वरूप पता हो क्या, किस में हिंसा है किस में नहीं, और हिंसा के फल को जानकर उससे भयभीत रहे। हिंसा के फल को इसलिए बताया जाएगा कि भाई देखो हिंसा के फल की कैसी दुर्दशा होती है, कैसे दुख भोगने पड़ते हैं, इसलिए हिंसा के फल को भी जानना चाहिए। तो ये चार चीजें बताइए, समझ में आ गया आपको सभी को, जिनकी वीडियोस ऑफ है आप लोग भी पूरा बराबर चल रहे हैं। ठीक, तो ये तरह से 60 नंबर का छंद हुआ। अब 61 नंबर पे चलते हैं, 61। जो हिंसा का त्याग करना चाहते हैं उन्हें प्रथम क्या करना चाहिए, सबसे पहले किसका उपदेश दे रहे हैं, सबसे पहले क्या त्याग करना चाहिए। अब देखिए थोड़ा सा नियम आदि पे आ गए, प्रैक्टिकल और बताने लग गए कि ठीक है हिंसा का स्वरूप जान लिया, हिंसा का महत्व जान लिया, हिंसा को जानने के लिए नयों का महत्व जान लिया। अब ठीक है आप बताओ सबसे पहले हम क्या छोड़ें। पहला प्रश्न ये होता है, जैसे जो धर्म में लगना चाहता है, धर्म में लगता है, वो ये बोलता है कि आप ये बताओ हम क्या छोड़े, क्या छोड़ सकते हैं, सबसे पहले क्या छोड़ना चाहिए। यहाँ आचार्य अमृतचंद देव सबसे पहला नियम बता रहे हैं, मद्यम मांसम क्षुद्रम पंचो पंचो दुम्बर फलानी यत्नेन हिंसा विपरति कामयि मोक्तव्यानि प्रथममेव। बहुत ही सरल छंद है, बिल्कुल पहले में पहले करने योग्य कार्य कह रहे हैं। एक मतलब बींगा जैन बींगा श्रावक हमें सबसे पहले क्या नियम होना चाहिए, मतलब ये तो एक श्रावकाचार तो छोड़िए एक सामान्य जैनाचार है ये, क्या मध्यम मांसम और शूद्रम। मध्य मांस और शूद्रम मतलब होता है मधु, मध्य मांस मधु, तीन हो गए, तीन मकार। फिर उसके बाद पंचोदंबर फलानि यत्नेन, और यत्न पूर्वक यत्न से पंचोदंबर फलों का क्या होगा, ये आठ, इनको आठ को क्या कहते हैं, ये आठ मूल गुण है, इस श्रावक के आठ मूल गुण है, मतलब ये बिल्कुल प्राइमरी नियम, बेसिक नियम जो होता है और जो बहुत जरूरी है, जो बहुत कंपलसरी है, वो है मध्य मास मधु और पांच दंबर फल। यत्न के द्वारा उनको प्रथम में क्या करना चाहिए, हिंसा विपरति कामई, हिंसा विपरति मतलब हिंसा के त्याग करने वाले, कामई मतलब इच्छुक, हिंसा के त्याग करने वाले इच्छुक पुरुषों के द्वारा उनको क्या करना चाहिए, मोक्तव्यानि, मोक्तव्यानि प्रथमम एव, सबसे पहले मोक्तव्यानि मतलब त्याग करना चाहिए, मुक्त करना चाहिए, त्याग करना चाहिए, छोड़ देना चाहिए प्रथम एव सबसे पहले ही। तो सबसे पहले क्या छोड़ देना चाहिए, मध्य मांस मधु और पांच उदंबर फल, बड़ पीपल उमर कठुमर पाकर, ये पांच उदंबर फल और मध्य मांस मधु इनका त्याग कर देना चाहिए। आप कहोगे ये तो हम खाते ही नहीं है, कि हाँ पंच उदंबर फल क्योंकि उनमें त्रस जीवों का निरंतर घात होता है इसलिए उनको खाना नहीं चाहिए, पहली बात। अभी एक एक पे आएगा आगे। दूसरा कि मध्य मास मधु के लिए भी ये बात कह रहे हैं कि आज जो ये मधु है या मद्य है, ये जो शराब आदि है, ये बहुत कॉमन बन गया है, और हम बात कर रहे हैं, हम अन्य मत की बात नहीं कर रहे हैं, हम जैन मत की बात कर रहे हैं, हम जैनियों की बात कर रहे हैं, उनके लिए भी ये एक फंडामेंटल जो बेसिक है ये पालन करना भी बहुत मुश्किल हो रहा है। मतलब लोग हर घर में हर जगह हम देखते हैं कि लोगों ने मद्यपान को स्टेटस सिंबल बना लिया है, शौक बना लिया है, या फिर आदत बन गई है, उसको व्यसन के रूप में उससे लत लग गई है, और वे सामान्य जैनाचार भी पालन नहीं कर पा रहे। कितने ऐसे प्रत्यक्ष उदाहरण दिखते हैं। तो ये नहीं होगा तो आगे आप क्या अनुव्रत लेंगे, क्या महाव्रत लेंगे, क्या प्रतिमा धारण करेंगे,
ये तो बहुत दूर की बात हो गई। यहाँ तो कह रहे अगर आप जैनी हो तो ये 8 मूल गुण, मूल गुण ही कह रहे हैं, मूल है जो, मूल गुण के बिना, जैसे कोई मुनिराज अपने एक मूल गुण भी ना हो तो वो मुनिराज नहीं है, तभी उनको 28 मूल गुणों को पालन करना जरूरी कहा जाता है। ठीक उसी प्रकार श्रावक एक भी मूल गुण या ये मध्य का भी त्याग यदि नहीं करता है तो वो श्रावक नहीं है। हम मुनिराज के तो मूल गुण देखना चाहते हैं, देखते हैं, और श्रावक के हम कितना पालन कर रहे हैं, या मद्य का, मधु का, मांस का त्याग हम नहीं कर पा रहे हैं, तो यहाँ पर कह रहे हैं कि वह श्रावक कहलाने लायक नहीं है। अभी एक एक की डिटेल आएगी यहाँ पर, एक अमन जी एक का का। प्रश्न है यहाँ पे, आवाज आ रही नहीं? हाँ जी, हाँ जी, ये तो हमारा आजीवन त्याग रहते हैं, बट आजकल जो दवाई या कभी कहीं कुछ होता है उसमें हमको कभी पता नहीं चलता है, तो इनडायरेक्टली तो अपना सेवन हो रहा है, तो उसमें दोष लगता है क्या? और काल के हिसाब से भी देखते हैं कि अभी हमको जम रहा है, बट जब आप एजेड हो जाओगे, जब वो टाइम में शायद ये हो सकता है ना, आपने फिर आजन्म का ले लिया, डायरेक्ट हम नहीं करेंगे, बट इनडायरेक्टली ये होता है कभी कभी। और तीसरी दूसरी बात ये कि बुढ़ापे में कभी द्रव्य क्षेत्र काल भाव के हिसाब से नहीं हो पाए, तो वो किसमें दोष लगता है? दो चीजों में मतलब देखिए अगर हम औषधि के लिए बात कर रहे हैं, दवाई के लिए बात कर रहे हैं, तो वो एक अलग विषय, उसकी बात करेंगे। पर हमारी सबसे बड़ी दिक्कत कंसर्न तो ये है कि आज तो लोग डायरेक्टली का भी त्याग नहीं कर रहे हैं, उसके लिए बहुत लोगों को जागरूक करना, बहुत लोगों को समझाना और अपने संस्कारों को दृढ़ करना ये बहुत जरूरी है। मतलब प्रारंभ से ही हम बच्चों की बात करें तो पाठशाला आदि के माध्यम से या अपने संस्कार आदि के माध्यम से उनको इन मद्य मांस मधु को मतलब छूने तक के लिए ना छुए ऐसा नियम हमें दिलाना चाहिए, आजीवन ही उसका त्यागी होना चाहिए। दूसरी बात आप जो कहें औषधि आदि के लिए, तो औषधि में भी हम जहां जहां हम जानकारी रख सकते हैं, जो लिक्विड होती हैं या फिर जो ऐसे सिरप आदि होते हैं, उनमें जहां हमें इसकी जानकारी हो सके तो हमें बराबर जानना चाहिए। ये नहीं कि औषधि के लिए तो छूट है, औषधि में पाप नहीं लगेगा, क्योंकि अगर हमें जानकारी होगी तो फिर हम उसका ऑल्टरनेटिव देख सकते हैं, क्योंकि उसके बिना भी हजारों औषधियां हैं। मतलब अगर मान लो एक ही रोग है और उसी के लिए एक ये दी जा रही है, या उसका ऐसा कोई सिरप है, अल्कोहल मिक्स है, या कोई होम्योपैथी वाला है, तो उसके ऑल्टरनेटिव बहुत सारे हैं। हम उसको एक्सक्यूज नहीं कह सकते हैं या उसका दोष नहीं लगेगा, ऐसा भी नहीं है। और दूसरी बात, यदि किसी का नियम अभी है तो बुढ़ापे में भी तो भी वो कर सकता है, तो भी उसका पालन किया जा सकता है। औषधि के लिए भी मैं ये कह रहा हूँ कि भाई हम ऐसी औषधि को, क्योंकि आजकल तो बहुत जानकारी हो सकती है, हम उसके सब कुछ कंपोजिशन और उसको देख सकते हैं, सर्च कर सकते हैं, और सब कंपनी भी आजकल ओपन नहीं लिखते हैं कि है तो है, अल्कोहल है तो है, आपको लेना है तो लीजिए। ये तो जानकर लेना, ये हमारे लिए एक और दोष हो जाएगा। इसलिए हम ऐसे अल्टरनेटिव्स को खोज सकते हैं, लेना ही चाहिए, कि औषधि रूप में भी हमें इसका सेवन ना करना। नियम लेने की वजह से इनडायरेक्टली कभी हो जाता है, तो उसमें बड़ा दोष लगता है कि वो कुछ हाँ मतलब देखिए अगर हम जितनी जैसी हमारी भूमिका हो या हमें बहुत फ्रिक्वेंटली लेनी पड़ता हो तो वो हम अपने हिसाब से सोचे, पर आदर्श रूप तो यही है कि इनडायरेक्टली का भी अगर नियम लेंगे तो हम उससे बचेंगे, तब हम उसकी कोशिश करेंगे, तब तो हम उसका प्रयत्न करेंगे भी, नहीं तो फिर ऐसा लग सकता है कि हमारा नियम तो नहीं है, चलो ले लेते हैं, तो फिर हम इसको नहीं रोक पाएंगे। इसीलिए, और सिर्फ यही नहीं है, सिर्फ औषधि नहीं, आजकल तो इनडायरेक्टली के और भी तरीके हो गए हैं, बहुत सारे खाने की चीजों में, बहुत सारी ऐसी लिक्विड्स में, बहुत सारी ऐसी ड्रिंक्स में जो मतलब मद्य तो नहीं है पर उसमें अल्कोहल मिक्स होने लगा। आजकल तो खाने में भी ऐसे ऐसे फ्लेवर में भी वोडका आदि ये सब के फ्लेवर्स की चीजें बनाने लगे हैं, जिसको लोग डायरेक्टली कहो इनडायरेक्टली कहो ले रहे हैं। सिर्फ औषधि तो बहुत दूर की बात हो गई, दवाई तो बहुत दूर की बात है, ऐसी मांस में भी आएगा, मांस में भी इनडायरेक्टली बहुत जगह सेवन किया जाता है, जो वही ऐसे ऐसे ई नंबर वाली वस्तुएं होती है, या फिर जो ऐसे मतलब जिनमें इमल्सीफायर्स वगैरह डलते हैं, और वो ओपनली लिखते भी हैं, और उनको आप सर्च करोगे वो किससे बनते हैं तो वो भी आता है।
तो वो भी इनडायरेक्टली मांस का सेवन है। ऐसे ही मधु का भी, मधु में भी जो कैंडीज आती है या फिर कोई दवाई लेता हो इस तरह की जिसमें मधु मिश्रित होता है, तो वो भी हमें नियम पूर्वक, मतलब अगर हमें इनडायरेक्टली भी लेना पड़ रहा है तो मतलब मूल गुण पालन तो नहीं होता है। मूल गुण पालन तो तभी कहेंगे जब बिल्कुल सर्वथा त्याग है, इसीलिए उसको ध्यान रखना चाहिए। जितने अमन जी यहाँ पे तो प्रमाद का ही दोष लगेगा, राइट? बिकॉज आपने ये आपने लिया, आपने हमने खुद ने चेक नहीं किया, राइट? तो इसमें हमारा प्रमाद ही हो गया और वो हिंसा ही हो गई। हाँ मतलब हम ये कह सकते हैं कि मान लो चेक किया भी और पता भी चल गया तो भी लें, तो ये भी दोष है ही, जानकर भी राइट, लें नहीं वो कि तो बड़ा दोष हो गया, वो तो और भी बड़ा दोष हो गया। भाई हमें पता है पर हम सोचते हैं कि भाई औषधि के लिए लेना पड़ता है, लेना पड़ सकता है। तो हम देखिए बहुत सारे ऑप्शन है, अगर हम थोड़ा सा उस तरफ प्रयत्न करें, भावना भी रखे, दृढ़ रहे, तो जैसे डॉक्टर्स भी देते हैं तो हम उनसे भी ये बात कह सकते हैं कि हम दूसरा ऑप्शन चाहते हैं या हम उसका दूसरा वो ऑप्शन चाहते हैं जो अल्कोहल से रहित हो, और वो बता सकते हैं, और नहीं वे बता सकते तो हम खुद सर्च कर सकते हैं, हम खुद उसको ढूंढ सकते हैं अगर औषधि के लिए भी ऐसा होता है, तो इसलिए हमें उसको अवॉइड भी करना चाहिए। ठीक है और जितनी भी वैक्सीन है सब में कुछ ना कुछ नॉन वेज तो है ही, कौन सी भी हाँ वैक्सीन हो हाँ वो सबको वैक्सीन पता, वो का अंडरस्टूड। या जो जितनी भी ऐसी ऐसी बड़े बड़े रोगों को मिटाने के लिए जो ऐसी दवाइयां बनती हैं उनमें तो बताया ही जाता है कि इस प्रकार से मांस आदि का प्रयोग किया ही जाता है, मतलब किसी किसी एनिमल के, किसी के मतलब हार्मोन्स और उनका डाल के किया जाता है, तो हमें बिल्कुल बुद्धिपूर्वक प्रयत्न पूर्वक इस चीज से बचना चाहिए, तभी हम अष्टमूल गुण का पालन कर पाए। ठीक है अब देखिए मध्य का दोष दे रहे हैं, अब एक एक का आएगा। अभी पहले तो कॉमन 8 वस्तुओं का त्याग करना चाहिए, अष्टमूल गुण आदि का पालन करना चाहिए, और अब एक एक का बता रहे हैं। 62 नंबर का छंद मध्य का, मध्यम मोहयति मनु मोहित चित्तस्तु विस्मरति धर्मम विस्मृत धर्मा जीवो हिंसाम विशंक मां चरती। ये मध्यम मोहयति मनो, मध्य क्या करती है कि मन को मोहित कर लेती है, मध्यम मोहयति मन को मोहित कर लेती है, और फिर क्या होता है मोहित चित्त तो विस्मरति धर्मम, और मोहित चित्त क्या करता है फिर विस्मरति भूल जाता है क्या धर्मम, धर्म को भूल जाता है। पर मद्य पीने का सबसे बड़ा नुकसान यही है, और फिर देखो तीसरा भी बता रहे, और जो विस्मृत धर्मम और जो धर्म को भूल जाता है वो क्या करता है विस्मृत धर्मा जीवो हिंसाम अविशंकम आचरति, हिंसा में बिल्कुल बिना शंका करे निडर होकर हिंसा में आचरण करता है, मतलब कितना बड़ा नुकसान है। सबसे पहले तो मन मोहित कर लेती है, दूसरा मन मोहित करने वाले का धर्म भूल जाता है, और धर्म भूलने वाला हिंसा में निशंक आचरण करता है। इसीलिए हिंसा के प्रकरण में ये मध्य त्याग जरूरी कही, सिर्फ ये नहीं कि इससे नशा होता है, कि इससे हिंसा होती है, और कैसे कि जो नशा हो गया, जिसका मन मोहित हो गया है, जो इसके नशे में मस्त हो गया है, मोहित हो गया है, उसके क्या होता है कि वह धर्म को भूल जाता है, और धर्म को भूलने के कारण से वह हिंसा में बिल्कुल निडर होकर बिना रुके प्रवर्तन करता है। समझ में आ गया? आपने देखा ही है कि जिन जो लोग मदिरा आदि का पान करते हैं, जो मदिरा का सेवन करते हैं, उनके परिणाम भी क्रूर हो जाते हैं, वो एक सेकंड में किसी से लड़ने के लिए, किसी को मारने के लिए, झगड़ा करने के लिए तैयार रहते हैं, मतलब हिंसा के लिए। हिंसा भी बिल्कुल उसकी सहचारिणी है कि जहां मदिरा का सेवन होता है वहां हिंसा के लिए भी वो व्यक्ति रुकता नहीं है, निडर होकर, उसको कोई डर नहीं रहता क्योंकि उसकी मति, उसका जो मन है वो मोहित कर लिया गया है, और धर्म का बिल्कुल अभाव हो गया है, धर्म उस समय याद नहीं आता, इसलिए दूर से ही ऐसी मदिरा का त्याग करना चाहिए।
बहुत नुकसान है, प्रत्यक्ष हमें दिखता है, मानसिक रूप से भी और शारीरिक रूप से भी बहुत नुकसान है। शरीर के भी अनेक प्रकार के, मतलब सारे ऑर्गन्स जो लिवर आदि है, वो सब लिवर वगैरह ये सब क्या हो जाते हैं, उससे खराब हो जाते हैं। और बहुत सारी अनेक प्रकार की शारीरिक बीमारी इस मदिरा पान से होती है, और मतलब बहुत दिक्कत इस तरह की देखी जाती है। तो ये जीव को, मतलब श्रावकों को, जैनी को, इनसे दूर से ही बचना चाहिए, छूना तक नहीं चाहिए, ऐसा ये यहाँ पर पहला मूल गुण बताया है। तो ऐसे ये हिंसा का ही कारण अमन समझ जी, आया। यहाँ पे और एक चीज है कि यहाँ पे उसको सड़ा गला के भी बनाया गया रहता है। सो इतने सालों तक जो रखा गया है या उसको फर्मेंटेशन जो प्रोसेस से ही गया है, वो भी एक बहुत बड़ा हिंसा का बहुत बिल्कुल बड़ा बिल्कुल कार्य है। आगे आ रहे हैं, अगले छंद में वही बात आ रही है कि मदिरा में क्या हिंसा है। ये जो आपने मदिरा का फल बता दिया कि पीने वाले के ऐसे ऐसा हो जाता है, पर उसमें दोष क्या है? आजकल तो बहुत तरह तरह से, पता नहीं कैसे कैसे मदिरा आ रही है, नॉन अल्कोहलिक फ्रूट, फ्रूट बियर और ये सब नॉन अल्कोहलिक, तो ये सब जो आते हैं, तो उद्देश्य क्योंकि वहां पर राग भाव की पूर्ति करना ही है, तो वहां बराबर दोष लगता है। और दूसरी बात ये कि यहाँ 60 इसमें जो यहाँ कह रहे हैं अगले छंद में, उसका जिनागम के अनुसार कारण भी बता रहे हैं, क्या कारण जो है वो वास्तव में इसका, मदिरा का कारण, मदिरा में दोष का कारण है, वो बताते हैं। देखिए, रसजानाम च बहुनाम जीवानाम यो निरिष्यते मद्यम, मद्यम भजताम तेषाम हिंसा संजायते वश्यम। देखिए क्या होता है, रस जानाम जीवानाम, जो रस है, जो ये मदिरा रूपी रस है, बहुनाम बहु रस, बहुत प्रकार के रस से उत्पन्न हुई, मतलब आप जानते ही हैं कि ये सब जितनी भी होती है, ये बहुत प्रकार के फलों को, बहुत पुराने पुराने फलों को सड़ा कर, गला कर, उनको स्टोर करके बहुत समय तक, मतलब ऐसे ऐसे कि 50 50 साल, 100 100 साल, 200 200 साल तक, ऐसे ऐसे फलों को जो स्टोर करके सड़ा गला कर, और केमिकल के द्वारा जल्दी सड़ा गला कर, ऐसे फलों के रस से जो बनाई जाती है वो मदिरा है। मतलब हम जहाँ एक सड़ा हुआ गला हुआ एक फल नहीं खाएंगे, जहां जैसे अंगूर हो या कोई फल हो जो गल जाता है, जो सड़ जाता है, संतरा हो, तो उनको हम खाते नहीं है। पर यहाँ मदिरा में क्या किया जाता है, उसका प्रोसेस ही ये है, सड़ाया ही जाएगा, बिना सड़े खाएंगे, और सड़ाया जाएगा तो उसमें क्या होगा, देखो, बहुनाम जीवानाम योनि रिष्यते मध्यम, बहुनाम बहुत से, जीवानाम मतलब जीवों का, बहुत से जीवों का क्या है वो, योनि, योनि मतलब उत्पत्ति स्थान, जो मदिरा है वो बहुत से जीवों की योनि है, योनि मतलब उनका उत्पत्ति स्थान है जहां वे उत्पन्न होते हैं, ऐसे मध्यम, ऐसे मध्य को क्या कह रहे हैं, मध्य भजताम तेषाम, और जो इस मदिरा का भजताम मतलब सेवन करता है, तेषाम मतलब उनका, हिंसा संजायते अवश्यम, उन जीवों की हिंसा अवश्य होती है, जिन जीवों को सड़ाकर ये मदिरा बनी है उन जीवों की हिंसा होती है जो इसका सेवन करता है। कि आप कहोगे कि नहीं, वो तो पहले ही मर चुके हैं, उनको तो पहले ही मार के ही बनाया गया होगा, कि नहीं वो जिसके लक्ष्य से, जिसके उद्देश्य से बनाई गई है, जो उसका प्रयोग कर रहा है, उसको उसका दोष लगेगा, बनाने वालों को तो लगता ही है, और प्रयोग करने पर भी उसका दोष, जो करता है, जो सेवन करता है, उसको उन त्रस जीवों की हिंसा का दोष लगता है। आप देखो ये त्रस जीव होते हैं, और त्रस जीवों के घात का बहुत पाप है दो इंद्रिय से, क्योंकि जितने फल पुराने हो जाते हैं, आप रख के देखो अपने घर में, कोई भी 2 दिन 3 दिन 4 दिन भी अगर आप फल को रख दोगे, चाहे आप कहीं भी स्टोर कर लीजिए रेफ्रिजरेटर में या वैसे नॉर्मल, तो भी उसमें थोड़े समय बाद क्या आने लगती है, आप देखोगे उसमें मैला लगती है, खराब खराब होने लग जाता है, उसमें स्मेल आती है, उसका कलर बदल जाता है, उसमें और पुराना रखोगे तो उसमें जीव भी उत्पन्न होने लग जाते हैं, तो उनको तो करना ही ऐसा होता है।
वे उनको अब क्या जब जीव उत्पन्न होते होंगे तो क्या जीवों को अलग करते होंगे क्या? ये नहीं, वो तो सारा केमिकल आदि के माध्यम से उनको मारकर उसका रस बना दिया जाता है, उसका नाम है मदिरा। मतलब ऐसा प्रोसेस है, कभी हमने बनते हुए देख लिया तो जो जीव पीते हैं वो भी पीना छोड़ दे। तो ऐसा यहाँ पर ये मदिरा का है ये। और दूसरा सबसे बड़ा इसका नुकसान यही है कि ये जीव को मोहित कर लेती है। शारीरिक आदि हिंसा आदि का तो नुकसान है ही, परंतु मन में भी, मन से भी वह जीव पागल सा हो जाता है, अविवेकपूर्ण हरकतें क्रियाएं करता है, धर्म की क्रियाओं को भूल जाता है, क्रोध करने लगता है, कषायों की तीव्रता होती है, लड़ने के लिए चिल्लाने के लिए सब जीवों पर तैयार रहता है। तो ऐसे जीव का विवेक शून्य हो जाता है, इसलिए मदिरा का सेवन नहीं करना चाहिए। समझ आ गया? चलिए 64। अब मदिरा में और क्या हिंसा होती है इनडायरेक्टली, और क्या क्या हो सकता है मदिरा से, क्या क्या नुकसान है, तो बता रहे हैं। देखिए, अभिमान भय जुगुप्सा, हास्यार्थ शोक काम को पाद्या, हिंसा यह पर्याय, सर्वे पिच सर्कस निहिता। देखिए और क्या क्या होता है, अभिमान भय जुगुप्सा हास्य रति शोक काम कोप आदि क्रोध आदि ये सब भी, हिंसा या पर्याय ये सब भी क्या है, और हिंसा के पर्याय हैं, हिंसा के भेद हैं। सर्वे पिचा सकस सन्निहिता, और सकस कह रहे हैं यहाँ पर मदिरा को, सरक कह रहे हैं मदिरा को, सरक सन्निता, और सरक सन्निता मतलब उसकी सन्नी, सरक मतलब मदिरा, मदिरा के सब क्या है, सन्निहिता निकटवर्ती है, सब उसके ये मान लीजिए संबंधी ही है, किसके, मदिरा के, कि एक मदिरा का पान होगा तो इतनी सारी चीजें आपको साथ में फ्री मिलेगी। क्या क्या, अभिमान भय ग्लानि शोक अरति काम क्रोध हिंसा के अनेक प्रकार की पर्याय, ये सब मदिरा के सन्निकट है, मदिरा के ही, ये समझ लीजिए मदिरा पान के रिश्तेदार है, तो वह होगा तो ये सब होंगे ही होंगे। ये सब तीव्र होता है, आप देख लीजिए, काम भाव भी तीव्र होता है मदिरा पीने वाले के, मदिरा पीने वाले में क्रोध भी बहुत तीव्र होता है, अभिमान भी बहुत होता है, कभी होगा तो ग्लानि इतनी करने लगेगा, कभी होगा तो बहुत हंसने लग जाता है, हंसता ही रहेगा, होगा तो भयभीत तो होने लग जाता है, ये सब कषायों की तीव्रता ये मदिरा के निकटवर्ती है। समझ आ गया, बहुत इजी छंद था, बिल्कुल एकदम क्लियर बातों में यहाँ पर कह दिया है। चलिए अगला 65 नंबर का, मांस का दोष। अब मांस पे आ रहे हैं, मांस का वर्णन कर रहे हैं, मदिरा पान रूपी पहला मूल गुण हो गया। अब मांस, न विना प्राणी विघातान मांसस्योत्पत्तिरिष्यते यस्मात्, मांसं भजतस्तस्मात् प्रसरत्य निवारिता हिंसा। क्या देखिए, न विना प्राणी विघातान यस्मात्, यस्मात् मतलब क्योंकि, मांस में क्या दोष है, क्योंकि न विना प्राणी विघातान, कि जो प्राणियों के विघातान मतलब घात के, न बिना प्राणियों के घात के बिना नहीं हो सकता, प्राणियों के घात के बिना नहीं हो सकता क्या, मांसस्य उत्पत्ति, मांस की उत्पत्ति इष्यते मानी जा रहा, कि मांस की उत्पत्ति प्राणियों के घात के बिना नहीं मानी जा सकती, होगी तो कैसे होगी, इसमें तो साक्षात प्राणी के घात पूर्वक ही उत्पत्ति होती है, प्राणी के घात के बिना मांस की कल्पना भी नहीं की जा सकती, क्योंकि आप ऐसे तो नहीं है कि मांस कोई ऐसी चीज है कि किसी में से निकाल लो, दे दे कोई थोड़ा सा और वो चलता रहे, कि नहीं, प्राणी के घात पूर्वक ही मांस की उत्पत्ति होती है। फिर अगली पंक्ति में, मांसम भजतस तस्मात्, मांस भजता मतलब मांसम भजता मतलब मांस भक्षियों को, जो मांस भक्षी पुरुष है उनको, तस्मात् इसलिए प्रसरती,
निवारिता प्रसरति अनिवारिता हिंसा, इसलिए प्रसरति मतलब होती है, फैलती है क्या, अनिवार्यता अनिवार्य रूप से, अनिवार्य रूप से क्या, हिंसा। इसलिए मांस भक्षियों को अनिवार्य रूप से, अनिवार्य रूप से जो होती है ये हिंसा होती है, इसीलिए मांस भक्षी पुरुषों को निरंतर टाल नहीं सकते, हिंसा होती है, ऐसी हिंसा उनको होती है। अब ये बिल्कुल सरल शब्दों में यहाँ पर इतनी बातें कि मांस की उत्पत्ति प्राणी के घात बिना नहीं होती है। अब आगे कुछ तर्क देने वाले हैं कि भाई कोई कहेगा कि नहीं, मांस तो पहले से ही वो तो जीव मर चुका था, हमने तो मारा नहीं, तो फिर तो कोई दोष नहीं है। भाई मांस में क्या है, जितनी भी ये सब होते हैं इनमें पहले से ही जीव को मारकर उससे कुछ सामग्री बनाई जाती है, तो हमने तो वो सामग्री खाई है। कोई ऐसा कहे, कोई ऐसा तर्क दे, तो उसको क्या कह रहे हैं, यद्यपि केलं भवति मांसं स्वयमेव मृतस्य महिष वृषभादे तत्रापि भवति हिंसा तदाश्रित निगोत निमर्थनात्। देखिए क्या कह रहे हैं, यद्यपि किल भवति, यद्यपि किल मतलब वास्तव में यह सही है कि भवति मांसं स्वयमेव मृतस्य, कि स्वयमेव मृतस्य स्वयं ही अपने आप ही मरे हुए, मतलब चलिए कोई ऐसा कहे कि भाई हमने ना तो मारा है ना मरवाया है, पर कोई मरा हुआ जीव ही खुद मर गया हो, उसका मांस खाने में क्या दिक्कत है, कोई परेशानी उसमें, जो खुद ही तो मर गया है, आयु पूर्ण हो गई थी और मर गया है, तो उसमें तो कोई दोष नहीं लगना चाहिए। तो देखिए क्या कह रहे हैं, देखिए ये सत्य है कि स्वयमेव मृतस्य कौन, महिष वृषभ आदि, महिष वृषभ आदि मतलब देखिए कौन कौन जीव ले लिए, जो मांस भक्षण करते हैं वो सबका भक्षण करने लगते हैं, भैंस बैल इत्यादि, उनमें क्या कह रहे हैं, मांसम भवती, उनका मांस होता है, जो स्वयं मरे हुए हो उनका मांस होता है, तत्रापि परंतु, तत्रापि मतलब वहां भी क्या होगा, भवति हिंसा, और वहां भी क्या होगी, हिंसा होती है, किसकी, तदाश्रित निगोत निमर्थनात्, तदाश्रित उस मांस उसके आश्रय से रहने वाले निगोदिया जीवों की, अनंत निगोदिया जीवों के होने से उनकी हिंसा होती है। क्या कह दिया यहाँ पर, भाई जो स्वयं मरा हुआ जीव हो, जिसमें ना आपने मारा है ना मरवाया है, उस जीव में भी उसमें मांस होता है, उस जीव के मांस में, उस जीव के मांस के भक्षण में क्या दोष है, कि उसमें भी जो उसके आश्रय से, जो उसके तत्व निगोद आश्रित, उसके आश्रय से जो निगोदिया जीव रह रहे हैं उन जीवों की हिंसा का दोष उसमें बराबर लगता है। और सिर्फ इतना ही नहीं, अभी आगे अगले क्षण में भी बताएंगे, सिर्फ उनके दोष की बात नहीं है निगोदिया की, मांस के एक टुकड़े में निरंतर प्रति समय असंख्यात त्रस जीवों की उत्पत्ति भी होती है। निगोदिया तो स्थावर हो गए, एक इंद्रिय हो गए, और त्रस जीवों की भी उत्पत्ति होती रहती है। जैसे आपको पता है ना, हमारे शरीर में भी निगोदिया जीव भी है और अनेक त्रस जीव भी है, और मांस के एक टुकड़े में उनकी निरंतर जीव की उत्पत्ति होती रहती है, क्योंकि वह मांस उसी जाति के जीव उसमें उत्पन्न होते रहते हैं त्रस। तो जब जब जितने समय वो रहता है, जैसे होता है ना, जब कभी डेड बॉडी होती है तो उसको ज्यादा समय क्यों नहीं रखते, उसके पीछे कारण ये होता है ना कि उसमें जितना वो पुरानी होगी, जितना वो जीव रहित हो जाती है, उसमें उतने ही मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई उतने समय में जीव उत्पन्न होते चले जाते हैं, बहुत जीव उत्पन्न होते चले जाते हैं। तो ये होना मतलब ऐसा ये कह रहे हैं मांस का स्वरूप है, क्योंकि ये शरीर भी एक मांस का ही तो पिंड है, जब इसमें भी अभी ये मांस से ही बना हुआ है, पूरा मांस ही है, क्योंकि मांस कहते किसे हैं, त्रस जीव के कलेवर को मांस कहते हैं, त्रस जीवों का जो शरीर है उसे मांस कहते हैं, और हम भी एक त्रस जीव है, पंचेंद्रिय, तो उसमें, और इस मांस के शरीर में वही जाति के जीव उत्पन्न होते रहते हैं, इसीलिए जल्दी से जल्दी उसको अंतिम संस्कार किया जाता है, कि जितनी लेट करेंगे उतने ज्यादा जीवों का घात होगा उसमें।
तो ऐसे यहाँ पर कह रहे हैं कि उसके आश्रय से अनेक निगोदिया जीवों की हिंसा होती है, इसलिए मांस का त्याग कर देना चाहिए। ठीक है, पर ये आज की परेशानी ये देखी जाती है कि भाई बहुत से जैन लोग भी, युवा या जैन नई जनरेशन के लोग भी, बच्चे भी, बहुत युवा वर्ग भी मांस भक्षण करते हुए देखे जाते हैं। सुनने में आता है बहुत सारे ऐसे हैं कि जो जैन होकर मतलब अंडा खाते हैं या मांस खाते हैं या इनडायरेक्टली खाते हैं, छुपा कर खाते हैं, तो ऐसे उनसे बिल्कुल वे मूल गुण मतलब रहित है, जैन कहलाने लायक नहीं है। दूसरी बात, इनडायरेक्टली भी यदि हम देखेंगे तो उसमें हम ये ऐसा समझ सकते हैं कि मांस खाने में डायरेक्टली हम ना भी खाते हो, पर बहुत से ऐसे पदार्थ जो मैंने कहा कि जिनमें इनडायरेक्टली इमल्सीफायर्स या फिर ऐसे चीजें इस्तेमाल की जाती है जिसमें मांस का साक्षात प्रयोग किया जाता है, किसी जानवर के किसी बस किसी अंग का, किसी उसके ऑर्गन का, किसी उसके कोई ऐसे सेल्स का, उनका प्रयोग करके उसको बनाया जाता है, तो वो भी नहीं करना चाहिए। तीसरी बात, सिर्फ खाने की बात नहीं है, हमें और चीजों में भी मांस के दोष मांस मांस के प्रयोग से बचना चाहिए। जैसे कॉस्मेटिक्स है, उसमें भी बहुत से ऐसे प्रोडक्ट्स होते हैं जो ब्यूटी प्रोडक्ट्स या ऐसे कॉस्मेटिक जिसमें साक्षात कुछ ना कुछ मांस का प्रयोग किया जाता है। चौथा, कॉस्मेटिक्स के अलावा भी जो हमारी एक्सेसरीज होती है उनमें भी, जैसे जो लेदर से बनाई जाने वाली चीजें हैं, शूज हैं, बेल्ट आदि है, पर्स है, बैग्स है, उनमें भी मांस का बहुत प्रयोग होने लगा है। आज उसको लोग स्टैंडर्ड मानने लगे हैं या क्वालिटी मानने लगे हैं कि भाई मांस का प्रयोग हो, लेदर का होना चाहिए, तो उन सब चीजों में भी बराबर मांस का दोष है। आप भक्षण नहीं कर रहे हो और अगर उसका प्रयोग कर रहे हो तो आप वो मांस भक्षण के जैसा है। तो इस तरह से हमें ना उसको करना चाहिए, ना करवाना चाहिए, ना उसकी अनुमोदना करनी चाहिए। समझ आए? बहुत सारा है, आप इसको और डिटेल कर सकते हो। ऐसे कई सारी चीजों में डायरेक्टली प्रयोग करते हैं तो प्रयोग भी मांस भक्षण जैसे दोष वाला है। आपको नहीं, हम खाते तो नहीं है, हमारे तो हम तो सिर्फ वॉलेट रखे हुए है, पर्स रखे हुए है, या हमारे पास तो बैग है बस, शूज है, बेल्ट है, कि प्रयोग ही नहीं करना चाहिए, छूना ही नहीं चाहिए। हम ये देखते हैं कि मंदिर में चमड़े की वस्तुएं नहीं ले जानी चाहिए, और बाहर तो ले जा सकते हैं, कि नहीं चमड़े की वस्तुओं का प्रयोग ही नहीं करना चाहिए। जो लेदर की चीजें हैं वो जैनियों के लिए प्रयोग करने ही लायक नहीं है, क्योंकि हम जितना प्रयोग करेंगे उसको उतना ही बढ़ावा मिलता है, वो उतनी और बढ़ती चली जा रही है, और हर चीज आज फिर लेदर की बनाने लगे हैं, तो इसीलिए हमें उससे बचना चाहिए। अगला, अमन जी, एक प्रश्न, छोटा प्रश्न है। मैं श्रद्धा और चारित्र को मिक्स नहीं कर रहा हूँ, बट आप अष्ट मूल गुण का पालन नहीं हो रहा है तो सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो सकती है क्या? नहीं हो सकती वो बिल्कुल, श्रद्धा गुण का है वो, तो नहीं मैं बिल्कुल भी हाँ श्रद्धा और चारित्र का, क्योंकि मेल भी है, ऐसा बिल्कुल सेपरेट नहीं है कि वो एक दिशा में भागे और वो दूसरी दिशा में चले, कि नहीं अष्ट मूल गुण का पालन नहीं है तो सम्यक दर्शन नहीं हो सकता है। ये बिल्कुल नियम है, चिन्वाणी में ये बात आगम कथन है कि अष्ट मूल गुण तो मैंडेटरी है। कदाचित उनमें जो दोष लगते हो, अतिचार लगते हो, वो अलग बात, पर अष्ट मूल गुण का पालन जो नहीं करेगा, जिसका उसका नियम नहीं होगा, वह सम्यक्तों का पालन कर ही नहीं सकता। इसलिए सम्यक के लिए पहली कंडीशन तो कही है, अष्ट मूल गुण, सप्त व्यसन, इनका तो नियम पूर्वक त्यागी होना चाहिए, अष्ट मूल गुण का पालन होना चाहिए। जो दर्शन प्रतिमा से भी पहले सामान्य सम्यक दृष्टि के लिए भी एक सामान्य श्राव का चार में आते हैं। ठीक है, अमन जी, यहाँ पे फिर वो प्रसम संवेग जैसी हम भावनाएं भी कहते हैं वो भी नहीं हुई मतलब जीवों की, वो भी ऐसे मानना मान के मतलब सम्यक दर्शन के जो गुण होते हैं वो ही नहीं होंगे, राइट? ऐसे ही हाँ मान के बहुत चलना सारी पड़ेगा, चीजों में दिक्कत आएगी, बहुत सारा मतलब कि राइट? प्रशम संवेग इनमें जीवों की दया रूप परिणाम ही है, और एक तरफ यदि मांस भक्षण करे और राइट, आत्मा की चर्चा करे, आत्मा परमात्मा की बातें करे, तो उसको कहीं पे वो कुछ कार्यकारी नहीं होगी। यानी और इनडायरेक्टली दूसरा आप केस आदमी शुक्र, की बात गुड, नहीं इनडायरेक्टली भी हो रही तो आप सम्यक दर्शन पाने के पात्र नहीं हो। हाँ बिल्कुल, क्योंकि जो सम्यक दृष्टि होता है, जो ज्ञानी होता है, या सम्यक का सन्मुख भी होता है, वो इतना अविवेकी नहीं होगा,
कि चलो उसको पता ही नहीं है कि किसमें क्या डल रहा है, किसका क्या प्रयोग हो रहा है, किसमें क्या वस्तु डाली जा रही है, ये ऐसा भी अविवेकी नहीं होता। बिल्कुल बराबर अपने उस धर्म की, दया रूपी धर्म की रक्षा के लिए वो बराबर प्रयत्न करता है और उसका पालन भी करता है। और किसके सम्यक्त्व हो गया और उसके बाद प्रमाद से ये हुआ हो तब क्या गिना चाहिए? मतलब देखिए, हम तो ये जानेंगे कि प्रमाद मतलब जिसके सम्मत हो गया है उसके तो कदाचित ये होगा ही नहीं, फिर भी कति कोई अतिचार आदि के माध्यम से लग जाए तो वो उसको प्रायश्चित करके पुनः अपने नियम में दृढ़ होगा, उसको एक्सक्यूज या उसको अपनी मजबूरी नहीं बनाएगा, पर उसको छोड़कर जी पुनः अपने धर्म में दृढ़ होगा ही। ठीक है, अगला हम चलते हैं अगला 67 नंबर के छंद पे। 67 नंबर के छंद में अब और यही बता रहे हैं कि उसमें निरंतर जीवों की उत्पत्ति हो रही है। आमा स्वपिपक्वा स्वपि विपच्यमाना सुमासुपेशीसु सातत्येना सातत्येनोत्पाद तज्जातीनां निगोतानां। बहुत अच्छी यहाँ पे बात कह रहे हैं कि और कारण दे रहे हैं। आमस्वपि पक्वा स्वपि, आमस्वपि मतलब जो कच्चा हो, कच्चा मांस हो, पकाया हुआ ना हो, और दूसरा पकाया हुआ हो, पक्का हो, कच्चा हो या पकाया हुआ हो, या विपच्यमानासु या फिर पक रही हो, मतलब या तो पूरा पका हो या कच्चा हो या पकाया जा रहा हो, प्रोसेस में हो, ऐसे मांस में मांसपेशीषु, मांसपेशीषु मांसपेशी में, मांस के एक टुकड़े में, मांस के एक कण में क्या होता है, सातति, यहाँ कह रहे हैं सातत्येन उत्पादः तज्जाति नाम निगोता नाम। सातत्येन मतलब निरंतर, निरंतरता से सतत उत्पादः उत्पन्न होते हैं कौन, तज्जाति नाम उसी जाति के, निरंतर उस जाति के क्या, निगोदा नाम, निगोद या जीव उसी जाति के निरंतर क्या हो रहे हैं, उसमें उत्पाद उत्पन्न हो रहे हैं, उसी जाति के समूर्छन जीव, दो इंद्रिय आदि तरस आदि सब उसमें उत्पन्न हो रहे हैं, उसी में उत्पन्न हो रहे हैं, निरंतर उसी में बढ़ते जा रहे हैं, मल्टीप्लाई होते जा रहे हैं, और जो जीव उसका सेवन करता है वो है असंख्यात जीवों की हिंसा का भागीदार बनता है। तो एक मांस के टुकड़े की बात है ये तो एक, और जो इतने बड़े बड़े और इतनी इतनी चीजों के ऐसे ऐसे सेवन करते हैं तो महान हिंसा का भागीदार बनता है। दूसरी बात, इस हिंसा में निरंतर ये भी दोष है कि ऐसा मांस भक्षण करने वालों के परिणाम भी कैसे हो जाते हैं, बहुत क्रूर होते हैं। आप देखो जो जो जीव मांसाहारी होते हैं, चाहे वो पशु भी क्यों ना हो, वो बहुत हिंसक होते हैं, बहुत क्रूर परिणामी होते हैं। और जो मतलब ऐसे हम देख सकते हैं जो ऐसे पशु भी हैं जो मांस भक्षण नहीं करते, गाय आदि, वो बहुत मृदु होते हैं, कोमल होते हैं, उनके परिणामों में डिफरेंस दिखता है। ऐसे मनुष्यों में भी आप देखना, मनुष्यों में भी जो मांस भक्षण करते हैं वो अलग ही क्रूर हिंसक होते हैं परिणामों में, क्योंकि जैसा खावे अन्न वैसा होवे मन, वैसा उसके परिणामों में अंतर आता ही है। और दूसरा कि जो सामान्य शुद्ध सात्विक भोजन करते हैं उनके परिणामों में डिफरेंस आता है, तो ये भी उसका नुकसान है। ठीक है, अमन जी, एक छोटा प्रश्न है। जैसे अभी समूर्छन जो कि आपने बात किया ना, तो जो दूध होता है वो 48 मिनट्स के अंदर गर्म नहीं किया या निकालने के बाद, उसमें भी समूर्छन जीव पैदा होते हैं, तो उसमें भी मांस भक्षण का दोष लगता होगा फिर। बिल्कुल, मतलब अभी तो मैंने बहुत सी ऐसी बातें आपको नहीं बताई है, आगे आएगा अभी, कि जिन जिन में त्रस जीवों का घात होता है, जिन जिन पदार्थों में त्रस जीवों की हिंसा होती है, वो सब जीव, वो सब वस्तुएं मांस जैसी है। फॉर एग्जाम्पल, जितने भी पैक्ड प्रोडक्ट होते हैं, पैक्ड फूड होता है, वो सब क्योंकि बहुत पुराने हैं, जितने भी अमर्यादित भोजन होते हैं, शुद्ध है पर अमर्यादित है, अमर्यादित आटा दाल मसाला जो ना भी हम घर में प्रयोग करते हैं, उनमें भी उसकी मर्यादा जितने जिसकी, हमें जैसे दूध की अंतर्मूर्त आपने कही, ऐसे और जिसकी जितनी मर्यादा है
उसके बाहर उसमें भी त्रस जीव उत्पन्न होते जो हमें आंखों से दिखाई देते हैं, कभी नहीं दिखाई देते, पर उन सब में भी बाहर बिल्कुल मांस का दोष लग। तो ऐसा ये भी बचना चाहिए, क्योंकि जो मांस का त्यागी होगा वो कृतकारी तन्मोदना से भी और हर प्रकार से त्यागी होगा। अब हम डायरेक्टली तो नहीं खा रहे, पर इनडायरेक्टली इन सब के माध्यम से पुरानी चीजें खाना, पैक्ड फूड खाना, और फिर इन चीजों में जो मर्यादा रहित भोजन करना, उसमें भी बहुत दोष लगता है। तो इस कारण से भी वो मांस जैसा ही रह जाता ठीक है। इसीलिए लोग मर्यादित भोजन करते हैं, इसलिए जिनागम में पूरा मर्यादा का पूरा विधान बताया गया है कि समय से ही वस्तु का सेवन करना चाहिए। एक चीज पूछ रही है मंजी, यहाँ इसमें रक्त का भी ऐसी मांस सेवन ही गिना जाएगा, राइट? रक्त का, ब्लड डोनेशन गिन, रक्त का मतलब ब्लड डोनेशन हाँ से मतलब भी वो गिने या सेवन में नहीं आता, वो मांस दान में लिया जाता है, तो वो भी दोष है। जिनागम में उसको भी गलत बताया गया है, जैन धर्म में वो भी गलत कार्य, मांस दान जैसा है। लेकिन उसमें भी फिर इनडायरेक्टली भी हो सकता है ना, जैसे कोई काओ का मिल्क ले रहा है, जो गाय का दूध ले रहा है, और गाय के अगर कुछ है उसको भी, और रक्त आ रहा है, क्योंकि दूध निकालते समय भी बहुत कुछ मतलब बीमारियां होती है। हाँ हो सकता है, अगर ऐसा हो रहा है तो उसमें भी उस तरह का दोष लगेगा। हाँ शिखा जी, मीनू जी, जैसे अभी ये बात चली है कि त्रस दो इंद्रिय आदि जीवों के शरीर में मांस होता है, तो उसमें बात तो समझ में, लेकिन मुझे अभी पीछे की लाइन कुछ ऐसा फील हुआ जैसे ये कहा कि हमारी देह में निरंतर निगोदिया जीवों की उत्पत्ति होती रहती है, यहां तक तो पता है, लेकिन क्या इसी देह में दो इंद्रिय, तीन इंद्रिय, चार इंद्रिय जीवों की उत्पत्ति भी होती है दो इंद्रिय आदि जीवित भी में? होते हैं। हाँ मतलब देखिए, निगोदिया तो होते ही हैं, और जीवित में भी कई ऐसे, अब होती है कि नहीं, आप देखो जैसे कुछ ऐसे हमारे शरीर के स्थान बताए जाते हैं जहां पर निरंतर समूर्छन जीव जो दो इंद्रिय अशुचि आदि है वो स्थान, उत्पन्न होते रहते। हाँ अशुचि स्थान आदि में देख लीजिए, आप बालों में देख लीजिए जितने आदि हो रहे हैं, तो ऐसे उसके आस्ते से भी रहते हैं, उसमें उत्पन्न भी होते रहते हैं, वे सब दो इंद्रिय आदि समूर्छन ही होते हैं, तो तो वो हम होते रहते हैं। और उस पर तो हम ये मान के चलें कि हमारी देह जो है, अगर शरीर का मांस कहें, इस शरीर के मांस के अंदर दो इंद्रिय, तीन इंद्रिय जीव उत्पत्ति हो सकती है निगोदिया के साथ मतलब साथ ना? जो त्रस जीवों की ऐसी उत्पत्ति बताई गई है समूचन आदि की, वो कुछ विशिष्ट स्थानों पे कही है, और वो तो बाकी 14 अशुचि स्थान हो गए वो तो। हाँ उनमें होती है वो, और बाकी जो शरीर में आप कह रहे हो वो तो निगोदिया जीव है जो हर खंड में है, हर प्रदेश में निरंतर मांस के साथ है ही, तो वो होते हैं। और जब मरण को प्राप्त हो जाती है देह, और फिर तो जो फिर तो देह उत्पन्न सारे जब में ही होता है तब वो उस मांस के अंदर ही उत्पन्न होता है। सर्वांग में ही त्रस आ हाँ जाए। ठीक, बस यही क्लियर करना था भैया। सर मुझे भी पूछना था कुछ। हाँ जी सर ऐसा बहुत ट्रैवल करना पड़ता है हमको ऐसे देशों में कि हम कितना भी बना के भी लेके जाए तो सफिशिएंट नहीं होगा, और ना ही हम इतना मर्यादा का पालन कर सकते हैं, तो फिर भी हमें तो दोष लगेगा ही ना वैसे। हाँ मतलब देखिए, अपना इसमें बराबर दोष तो है ही, पर हम इसमें अल्पतर जितना कर सके, कम से कम हम जितना कर सके, और अपना प्रयत्न विवेक पूर्वक जो हम कर सके वो हमारे लिए सही रहेगा। पर मैं ये नहीं कहूंगा कि जितना आप कर रहे हो उस जितने का आपको बचा उसका पाप नहीं लगेगा, उसका दोष तो लगेगा, पर हमें उसका बराबर, क्योंकि जब इतना फ्रीक्वेंटली हमारी ट्रैवलिंग है तो हमें उसका एक वो सोचना चाहिए, हमें उसका एक उपाय निकालना चाहिए। हम हर कहाँ जगह जाते हैं, बहुत जगह ऐसी जगह है जहाँ हमें अरेंज नहीं हो सकता, तो अपनी कुछ ऐसी व्यवस्था हो कि जो हम मैनेज कर सके, क्योंकि एक आध बार जाना अलग बात है, और जब आप फ्रीक्वेंटली ही जाते हो या बाहर रहते हैं तो फिर इतने पाप के भागीदार हम निरंतर क्यों बने, बार बार क्यों बने, तो हमें उसका कुछ ऐसा उपाय बना लेना चाहिए, या कुछ ऐसा जो हम थोड़ा बहुत धर्म मतलब जिसमें हम वो भी ना हो, हिंसा भी महाहिंसा का दोष ना लगे, और हम उसको बराबर अहिंसा के रूप में भी पालन कर सके, ये हमें थोड़ा अपने जिस जैसी भूमिका है उसके अनुसार निकालना चाहिए। सर जैसे आटा चक्की अभी घर में तो 3 दिन का वगैरह सब कर लो, लेकिन बाहर वो सब तो इतनी बड़ी बड़ी चीजें ले जाना पॉसिबल भी नहीं, हाँ आटा चक्की वो नहीं सब जा सकते, पर चीजों का आटा ले मसाला। जा सकते हैं।
हाँ पर सर वो भी तो फिर मर्यादा के बाहर हो जाएगा, हाँ नैनो मतलब से रहना है तो फिर। उसमें इतना कर सकते हैं कि भाई जैसे मान लीजिए मर्यादा 7 दिन की है, तो हम 10 दिन का प्रयोग कर ले, 15 दिन तक कर ले, बस इतना कर लेंगे। पर रेडीमेड चलो और मार्केट से और अमर्यादित में बहुत समय वाले से तो हम बचेंगे, उतना खर्च बिल्कुल ये सब साधन हम उसमें बना सकते हैं। भाई थोड़ी मर्यादा मतलब बिल्कुल जितनी उसकी मर्यादा कही गई है उतना अगर हम नहीं कर पा रहे हैं, तो हम इतना तो करना करें कि 7-2 साल पुरानी चीजें खा रहे हैं। जो इतने पुराने पुराने अचार होते हैं या पुरानी पुरानी चीजें होती है कि साल में एक बार ले आए और फिर पूरे साल भर प्रयोग करते आ रहे हैं, ऐसे आटा दाल सब आदि सेवन करते आ रहे हैं, तो वो चीजों से हम बचना चाहिए जितना बच सके। बाकी तो सही तरह से तो घर में ही प्रयोग हो सकता है, घर में ही होता है, पर बाहर में अगर ज्यादा बहुत जाना पड़ता है तो हम इतने आपको बारंबार ना करें, इसीलिए प्रयत्न करते रहना चाहिए। ठीक है मुझे यहाँ पे ऐसे भी माना जाएगा कि कुछ ऐसी चीजें हैं जो मिल भी जाती है और कुछ चीजें ऐसी होती है जो लंबी चलती भी है, मतलब जैसे कि राइस हो कि ऐसी चीजें हो तो उसका प्रयोग भी बढ़ा सकते हैं, राइट? जैसे फ्रूट्स वेजिटेबल्स यहाँ मिल जाते हैं, मैं ऐसे नहीं कह रहा हूँ कि पूरा एलिमिनेट हो जाए कि ना हो जाए, पर उसे मतलब थोड़ा हाँ पता चल जाए। तो मतलब जैसे प्लांट बेस्ड आजकल इतना बढ़ गया है और दूध और ये सब बाहर की कंट्री में तो आपको कभी भी अच्छे तरीके से बना बना मिलेगा ही नहीं, वो इंक्लूडिंग एनीथिंग एल्स। तो पर उसके सब्स्टिट्यूट में फ्रूट्स वेजिटेबल जो भी हो वो तो आपको फ्रेश मिलना पॉसिबल है, तो हाँ वो बढ़ा फ्रूट्स भी सकते मिल हैं। सकते हैं, और जैसे हम अगर दाल चावल रोटी आदि की भी बात कर रहे हैं तो उसमें भी हम ये चीज सीख सकते हैं कि कौन सी चीज ऐसी है जो हमें बाहर से अरेंज हो जाएगी, और जैसे जो दालें हैं वो सूखी होती है तो उसमें कोई ऐसी मर्यादा का नहीं होता, तो हम वो वहां से लेके और जितना हम कैरी कर सकते हैं वो ऐसी चीजें जो बाहर नहीं मिलेगी या जिसकी मर्यादा वाला इशू है, तो हो सकता है पालन हो जाए। मुझे विशेष तो जानकारी नहीं है, पर अगर हम प्रयत्न करेंगे जितना हो सकता है तो उतना करेंगे तो हमें उसका लाभ मिलेगा। सर एक क्वेश्चन मेरी भी थी। हाँ तो आपका भी समाधान मैं उम्मीद करता हूँ हो गया होगा। नहीं, एक क्वेश्चन ऐसा है कि जैसे बाहर जो हम लोग लेके जाते हैं, खुद लेके जाएं तो अलग बात है, पर बाहर जो हम खाते हैं स्पेशली फॉरेन कंट्रीज में, वो जनरली डीप फ्रोजन फूड होता है, तो उसमें कितना पाप हमको लगता है बताइए। वो तो बराबर मतलब उसमें तो दोष है ही, क्योंकि वो बहुत पुराने होते हैं। डीप फ्रोजन का तो मतलब ये है कि जिसको अगर आप 6 महीने साल भर भी रख दोगे उसका कुछ नहीं बिगड़ेगा, और सारा धीरे 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 ये पैक्ड फूड और डीप फ्रोजन का पैटर्न ही जो आ रहा है वो इसीलिए आ रहा है कि लंबा चले, क्योंकि इससे कंपनीज को बहुत फायदा है। एक बार स्टॉक बनाते हैं और लंबे समय तक चलता रहता है, रेगुलर उसको चेंज नहीं करना पड़ता, खराब नहीं होता है। तो पर उसमें जीव हिंसा जितने दिन पुरानी है, जितना समय पुराना है, उतनी ज्यादा हिंसा, उतना ज्यादा दोष है, इसलिए वो तो सबको बराबर ट्रैवल कैरी करें तो वी हैव टू कैरी विद अस, कर सकते हैं, और नहीं तो जो चीज हमें वहां पे फ्रेश मिल जाए जो उसी को चीज यूज करें। उसको यूज कर सकते हैं। ठीक है सर, थैंक यू सर। ठीक है अब आगे चलते हैं हम इसके बाद। 68 नंबर का छंद है, 68, मांस से हिंसा होती है ऐसा प्रकट करते हैं। अब मांस से हिंसा किस प्रकार और होती है, ये बात लास्ट जो यहाँ पे मांस छंद मांस दोष का एक अंतिम बता रहे हैं, मांस त्याग का। आमाम बा पक्वामाम, आमाम बा पक्वाम बा खादति स्पृशति वा पिषित पेशी स निहंती सतत निचितम पिंडम बहुजीव कोटीनाम। आमाम वा पकवाम वा, वही फिर से, कच्चा हो या पका हुआ हो, आमाम वा पकवाम वा, कच्चा हो या पका हुआ हो, वा खादयति य जो खाता है, या फिर स्पृशति वा छूता भी हो। मतलब ऐसा कहा जाता है कि जब अगर किसी ने मांस के कण को छू भी लिया तो उसी में असंख्यात तो जीवों की हिंसा हो जाती है उस छूने मात्र से। पिषित पेशी, मांस की पेशी को, पिषित पेशी मतलब मांस की पेशी को, मांस के टुकड़े को खाना तो बहुत दूर, छू भी लिया हो। स निहंती सतत निचितम,
वह पुरुष निरंतर सतत मतलब निरंतर निचितम इकट्ठे किए हुए, मांस के उस टुकड़े में बहुत सारे इकट्ठे किए हुए जीव हैं, सतत निचितम पिंडम उस पिंड का, बहुजीव कोटिनाम बहुत जीवों के समूह रूप उस पिंड का क्या करता है, निहंती उसकी हनन कर देता है, उसकी हिंसा कर देता है। तो छूने मात्र से अगर हमने छुआ भी तो क्या हो गया कि छूने मात्र से बहुत समूह रूप जो वहां जीव थे उस कण में उस पार्टिकल में क्या हो गया, उन सब का घात हो जाता है। अब आप सोचो खाने में तो क्या दोष होगा, हमें ऐसा आश्चर्य होता है कि लोग कैसे खा लेते हैं, खाते कैसे, कितने क्रूर परिणाम चाहिए खाने के लिए साक्षात। और जितने भी आप ऐसा दिखता है कि भाई बहुत सी ऐसी कंट्रीज है, बहुत से ऐसे वो है जो जीवित पशुओं को भी खा लेते हैं, मतलब ऐसे बहुत सारे जो सी फूड्स आदि देखे जाते हैं जो हमें दिखते हैं ऐसे वीडियोस वगैरह में, कि उनमें साक्षात जीवित या अर्धमृत ऐसे इंसेक्ट्स और ऐसे पशुओं को डाला जाता है जो पूरी तरह से नहीं मरे होते, उसमें ही वो मतलब तड़प रहे होते हैं, उसी में वो थोड़ा सा ऐसा करते हैं, और उनको भी जीव जो मनुष्य होते हैं वो साक्षात ऐसा सेवन करता है, तो ये बहुत क्रूर परिणामों के साथ ही हो सकता है। और ऐसा हो रहा है, बिल्कुल दिखता है, मतलब ऐसे चाइना जापान आदि और सी फूड वाली जो कंट्रीज है उनमें तो बिल्कुल प्रत्यक्ष ऐसा दिखता है। तो ऐसा बहुत जीवों की घात का ये कार्य है, तो हमें उसमें बचना चाहिए किसी भी रूप में, हम उससे उसकी अनुमोदना भी ना करें, छुए तक नहीं, ऐसा यहाँ पर बता दिया। ठीक है, समझ में आ गया। अब अमन जी अगला यहाँ है। पे और एक बात है, अमन जी यहाँ पे और एक बात है कि जैसे अपने अपने धर्म में ऐसे भी कहा गया है कि आजू बाजू भी कहीं हो, भले दूर से छुआ के बने पर देखा भी हो तो भी हमारे भाव इतने खराब हो जाएंगे कि हम इतने समय तक तो मरे मतलब खा भी नहीं सकते या खाना नहीं चाहिए, मतलब ऐसे ऐसे जीव को हाँ देखकर मतलब मतलब। कुल मिला के ये कहना चाहते हैं कि भाई देखने मात्र से जब हमारा चित्त खराब हो जाता है, देखने से ही हमारे मन बहुत गंदा लगता है, बहुत घृणा आती है, बहुत खराब लगता है, तो छूना खाना मारना ये तो बहुत ही तीव्र परिणामों के साथ ही हो सकता है। और लोगों ने इसी के नाम पे धर्म बना दिया है, इसी के नाम पे बलि आदि करके धर्म मानते, तो बहुत ही महामिथ्यात्व है। ठीक है। हाँ अगला मधु त्याग का, मधु त्याग के यहाँ पर छंद आ रहे हैं, देखिए मधु शकलमपि प्रायो मधुकर हिंसात्मकं भवति लोके भजति मधु मूर्धी को यह स भवति हिंसको अत्यंतम। मधु शकलमपि प्रायो, मधु शकलमपि मधु शकलम कह रहे बूंद, मधु की एक बूंद में भी, मधु की एक बूंद में भी क्या होता है, प्रायो मधुकर हिंसात्मकम भवति लोके, मधु की एक बूंद भी प्राय मतलब बहुत, मधुकर हिंसात्मकम, मधुकर मतलब भोरों की, मधुकर होते मधुमक्खी और जो भवरे होते हैं उनकी, हिंसात्मकम भवति हिंसा स्वरूप होती है, मतलब मधु की एक बूंद भी मधुकरों की या मधुमक्खियों की या उनकी हिंसा स्वरूप ही होती है, और एक बूंद भी बिना हिंसा के नहीं बन सकती, ये कहना चाहते हैं, एक बूंद भी बिना हिंसा के नहीं बन सकती। भजती मधु मूर्धी को, भजती मधु, मधु भजती जो मधु खाते हैं, भजती मतलब उसका सेवन करते हैं, भक्षण करते हैं, वो कैसे मूर्धी को, मूढ़ है वे कैसे हैं, मूर्ख हैं, बुद्धि रहित पुरुष है, मनुष्य हैं, यह जो सभवती हिंसको अत्यंतम, और वह क्या बनते हैं, सभवती मतलब वह होते हैं, क्या होते हैं, अत्यंतम हिंसक, अत्यंतम हिंसक होते हैं कौन जीव, जो ऐसे मधु को भजती मधु का सेवन करते हैं, क्योंकि मधु की एक बूंद भी बिल्कुल, ये कह रहे हैं मधु की एक बूंद भी हिंसा के बिना उत्पन्न नहीं होती है। और देखिए यहाँ पे तो वो उस श्लोक का वर्णन नहीं है, पर ऐसा अन्य श्रावकाचार ग्रंथों में पढ़ने में आता है कि मधु मक्खी की
मधु मधु की एक बूंद का सेवन मानो ऐसा है जैसे हजारों गांव को जलाना। ये जिनागम में आया है, किसी शाकाचार की ही पंक्ति है कि मधु इसकी शहद की एक बूंद का सेवन करना ऐसा है जैसे हजारों या सैकड़ों गांव को, पूरे गांव को जला देना। जितनी हिंसा उसमें होती है उतनी मधु की एक बूंद के सेवन में होती है। अब सोचो, हम तो मधु के कितना फायदा मान रहे थे, हम तो कितना उसको मतलब मेडिसिनल बेनिफिट में ले रहे हैं, दवाइयां ले रहे हैं, लोग टेस्ट में ले रहे हैं, उसे टेस्ट मेकर मान रहे हैं, पर ये सब क्या है, महाहिंसा के कार्य है, महाहिंसा से उत्पन्न होता है। मैंने तो बहुत मतलब देखा है, हम बच्चों को पाठशाला में भी जिस प्रकार दिखाते हैं, आप देख सकते हैं यूट्यूब वगैरह पर भी, उसको उत्पत्ति कैसे होती है, उसको निकालते कैसे हैं, कितनी क्रूरता होती है उसको निकालने में, उसको बनाने में, ये आप देख नहीं पाएंगे। वो तो खाने के समय तो हमारे पास तो वो बिल्कुल फिल्टर्ड और वो पूरा पैक्ड, पूरा पैकेजिंग के साथ आ जाता है, इसलिए हमें पता नहीं चलता। बहुत से ऐसे गांव हैं, शहर है, जो मधुमक्खी के मतलब मधु के लिए फेमस है, वहां का काम ही होता है, लोग अपने घरों घरों में मतलब मधुमक्खी के छत्ते पालन करते हैं, उनको मतलब जो जैसे लोग गाय पालते हैं, ऐसे वहां पे मधुमक्खी के पालक होते हैं, मतलब मधुमक्खी ये सब उनके उनको उनका काम ही होता है, और वो अपना उससे शहद निकालते हैं, वो पूरे छत्ते को आग नीचे लगा कर या उसको किसी बड़े उससे निकाल देते हैं, आग से सारी मधुमक्खियों को भेज देते हैं, मतलब उससे भाग जाती हैं जलाकर, और फिर पूरे छत्ते को तोड़कर उसको किसी बड़े उसमें पात्र में रख के क्रश कर देते हैं, क्योंकि वो एक तरह से स्पॉन्ज जैसा ही होता है, तो उसको क्रश कर देते हैं, उसमें से सारा शहद नीचे टपक जाता है, और उसमें हजारों मधुमक्खियां होती है, हजारों मधुमक्खियों होती है, उन्हीं के साथ उनके अंडे, उनके सूक्ष्म जीव और मधु में साक्षात रस जीव भी निरंतर उत्पन्न होते हैं, वो सारे क्या हो जाते हैं, उससे क्रश करते ही मरण को प्राप्त हो जाते हैं। फिर उसको थोड़ा उसको उसमें फिल्टर करके या उसमें थोड़ा सेंट आदि करके उसका प्रयोग करने लग जाते हैं, और हमें ऐसा लगता है कि मधु बहुत शुद्ध है, बहुत साफ है, पर ये महान हिंसा से उत्पन्न होता है। समझ में आया? आप देखना, इसलिए यहाँ पर कह रहे हैं कि ऐसा करना ये बहुत हिंसा का कारण है, इसलिए मधु का त्याग कर देना चाहिए। अब देखो यहाँ क्या कह रहे हैं अगला, कि चलो हमने नहीं निकाला तो मधुमक्खी के छत्ते से खुद टपक रहा हो तो ले सकते हैं, कोई छत्ता खुद गिर जाता है, कोई शहद खुद टपक रहा हो तो वहां से तो ले सकते हैं। अगला, स्वयमेव विगलितं यो गृहिणी याद्वा चलेन मधुगोला तत्रापि भवति हिंसा तदाश्रय प्राणीनां घाता। क्या कह रहे हैं, स्वयमेव विगलितम यो, जो स्वयमेव विगलितम टपक रहा हो, अपने आप टपक रहा हो, गलित हो रहा हो, यो जो ग्रहणीयात्वा, ऐसे को ग्रहण करता है जो स्वयमेव टपक रहा हो उसको ग्रहण करता है, छलेन छल से, मतलब या तो छल से जो ग्रहण करता हो मतलब निकालता हो, या फिर स्वयमेव जो टपक रहा हो ऐसे मधु गोलात, ऐसे मधु छत्ते से, मधुमक्खी के छत्ते से, जो स्वयमेव टपक रहा हो वो, या फिर छल से निकालता हो वो, तत्रापि भवति हिंसा, वहां भी क्या होती है, तत्रापि वहां भी हिंसा भवति, हिंसा ही होती है, तदाश्रय प्राणी नाम घाता, क्योंकि उसके आश्रय से होने वाले प्राणियों के घात होने से, प्राणियों की हिंसा होने से, क्योंकि उस मधुमक्खी के छत्ते में सिर्फ मधुमक्खियां ही नहीं होती जो उड़ पा रही है, बहुत से ऐसे सूक्ष्म भी है अभी जीव, जो छोटी मधुमक्खियां हैं जो उड़ना नहीं सीखी है, वैसे भी होते हैं जिनके बहुत हजारों हजारों अंडे होते हैं उन सब में जिनमें जीव हैं, और उसके आश्रय से भी जो ऐसे त्रस जीव स्थावर जीव रहते हैं उन सब की भी वहां पर जीव जंतुओं का घात होता है। तो ऐसे मधु की एक बूंद को प्रयोग करना ऐसा है मानो हजारों गांव जला दिए हो। अब हम कोई भी इतने महान दोष का तो भागीदार बनना नहीं चाहेगा, और वो भी सिर्फ किस लिए, टेस्ट के लिए या कुछ थोड़े बहुत हेल्थ के बेनिफिट के लिए, ये महान हिंसा तो जैन श्रावक तो नहीं करता। ठीक है, समझ में आ गया?
क्लियर हुआ? मधु मध्य हो गया, मधु हो गया और मास हो गया, तीनों का यहाँ पर हमने यहाँ तक अपना प्रकरण देख लिया है 70 नंबर के छंद तक, आज हम यहीं पे ले रहे हैं। अब हम नेक्स्ट क्लास में लेंगे, नेक्स्ट क्लास कल तो नहीं हो पाएगी, इस संडे, अब कब रहेगी आपको हम बता देंगे, पहले इन्फॉर्म कर देंगे। जो 70 नंबर के छंद तक हो गया, अब हमारे 40 छंद रह गए, मतलब 2 क्लास का विषय है, 2 क्लास में हम इसे पूर्ण कर देंगे और फिर अब अगले विषय की तरफ बढ़ेंगे। तब तक आप इस विषय तक 70 नंबर के छंद तक पढ़िए, श्लोकों का पाठ कर सकते हैं, अर्थ पढ़ सकते हैं, और जो विशेष भावार्थ हम बीच में छोड़ते जा रहे हैं, टीका जिसको यहाँ लिखा गया है, उसको भी आप पढ़ के कुछ डाउट हो, कोई प्रश्न हो तो आप पूछ सकते हैं। अमन जी, एक लास्ट क्वेश्चन है। जैसे सूर्यास्त होने के 48 मिनट तक खाना खा लेना चाहिए, बट जो 48 मिनट में खाना खा रहा है वहां भी हिंसा हो रही है ना, उसमें हिंसा का दोष लगता होगा। हाँ, मतलब जैसे ये है कि देखिए, इस सब जो जितना भी श्रावकाचार होता है, इसमें अपना विवेक और जिनागम की आज्ञा बहुत कार्यकारी होती है। जिनागम में कहा गया है कि सूर्यास्त से पहले ही भोजन कर लेना चाहिए, और जितना जितना आप लेट करते जाएंगे, जितना जितना सूर्यास्त हो जाए, उतने उतने जीव की उत्पत्ति मल्टीप्लाई होती जाती है। तो यानी उसकी संधि काल में बहुत ज्यादा होते हैं ना वो, इसलिए वो समय कोई शास्त्र भी नहीं पढ़ते, सामायिक करते हैं, खाना भी नहीं खाना चाहिए उस टाइम पे तो वही सबसे ज्यादा। सूर्य अस्त के समय का जो काल है वो संधि काल होता है। तो हम क्या करते हैं, कुछ कुछ लोग बिल्कुल सॉरी, कुछ कुछ लोग बिल्कुल लास्ट टाइम पे लेकर बैठते हैं, लास्ट मिनट पे, लास्ट सेकंड पे, या टाइम छिपने के बाद भी करते रहते हैं, उनको वहां पर विशेष हिंसा का दोष लगेगा ही, लगता ही है, पर रात्रि से तो कम है वहां पर। मैं ये फिर भी कहूंगी, रात्रि में जितने जीव उससे तो कम है, पर आदर्श बात तो यही है, उपदेश यही है, जिनागम में आज्ञा यही है कि सूर्य अस्त के 48 मिनट पहले, 48 मिनट बाद का टाइम होता है संधि, तो उससे पहले ही भोजन कर लेना चाहिए। ठीक है, ठीक, कोई और प्रश्न है किसी को? अमन जी यहाँ पे एक बात, जैसे मधु का त्याग में हिंसा तो है, उसमें चोरी का भी एक दोष है, जैसे हर चीज में ऐसे बहुत एक के साथ हाँ, दो मतलब देखिए, चीजें भी। इनडायरेक्टली तो बहुत सारे दोष हो सकते हैं। दूसरा, कोई ऐसा भी हो सकता है कि भाई चोरी ना करे, बराबर पैसे देकर खरीद कर लाए, तो वो भी इसमें कहा जा सकता है। पर ये है कि मधुमक्खी के द्वारा जो इकट्ठा किया गया, मान लो उनकी संपत्ति जैसा उनका, और संपत्ति तो क्या कहे, वो मधुमक्खियों का मल है एक तरह से, वे मुंह में भर के लाती हैं और उसको वहां पे बमन करती है, वोमिट करती है, और वहां पे इकट्ठा हो जाता है। अब हम सोच भी नहीं सकते किसी की वॉमिट, किसी के वमन को देखने का भी, और वहां पे सब मीठा मीठा कह के उसको खा देते हैं। ठीक है, चलिए अभी की कक्षा हम यहीं पे पूर्ण करते हैं, अगली कक्षा में आपको जो भी समस्या डाउट हो आप पूछ सकते हैं, आगे प्रारंभ करें। सभी को जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र।